14.3.2 विभाजन की अवस्था और कोशिका का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ सेल एंड फेस ऑफ सेल डिवीजन। किसी भी कोशिका के जीवन काल में विभाजन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मगर विभाजन होने वाली स्थिति उसके जीवन काल के एक बहुत छोटे हिस्से में पाई जाती है। चित्र 8 में एक मनुष्य कोशिका के जीवन काल में इसी बात को दर्शाया गया है। वृद्धि 1 एवं 2 के दौरान कोशिका में कई संसाधन इकट्ठे होते हैं और कोशिका की आकृति बढ़ती है। हर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहे तो केवल कोशिकाओं का ढेर बनेगा, पर कोई अलग अंग नहीं। अलग अलग अंग बनने के लिए क्या कोशिकाओं का अलग अलग दर से विभाजन होना आवश्यक है? आपने 9वीं में पढ़ा था कि अलग अलग ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन अलग अलग दर से होता है। 14.3.3 अलैंगिक प्रजनन और समसूत्री विभाजन का महत्व। जीव जगत के सभी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में वृद्धि और परिवर्धन में समसूत्री विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जीवों में, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम आदि, व बहुकोशिकीय जीव जैसे फीता कृमि, प्लनेरिया तथा कई पौधों आदि में समसूत्री विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव के समसूत्री विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में परिशिष्ट में बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी प्रकार के अलैंगिक प्रजनन, उदाहरणार्थ मुकुलन, विखंडन, कलम लगाना आदि में नया जीव बनने का आधार समसूत्री विभाजन होता है। हमारे शरीर के गठन में अलग अलग समूह की कोशिकाओं का अलग अलग दर से समसूत्री विभाजन होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर गठन की कुछ अवस्थाओं को चित्र 9 में दर्शाया गया है। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि 5वें दिन तक कोशिकाओं के समूह और पहले दिन की एक कोशिका के व्यास में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे समय तक आयतन में कोई फर्क नज़र नहीं आता, पर भार बदल जाता है। इस समूह की कोशिकाओं के बाह्य परत से बने मार्ग आवल प्लेसेंटा से माँ के शरीर से संबंध स्थापित होता है और अंदर की कोशिकाओं से बच्चे का पूरा शरीर बनता है। आवल के जरिए बच्चे तक भोजन, पानी, गैसें इत्यादि माँ से बच्चे तक पहुँचते हैं। क्या गर्भ में पल रहे बच्चे में इन कार्यों से संबंधित अंगों का विकास बाद में शुरू होता होगा? जरा सोचिए कि यदि 5वें दिन तक कोई अंग नहीं बना तो जैविक क्रियाएं कहाँ होती होगी? कोशिका सिद्धांत के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 5वें दिन के बाद कोशिकाओं के आकार में अंतर नजर आने लगता है। एक क्षेत्र की कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्र तक भी पहुंचती हैं। इससे शरीर के अलग अलग अंगों का बनना और अंगों के द्वारा जैविक क्रियाएं होना शुरू होता है। 6ठे हफ्ते तक के बच्चों में नर और मादा के रूप में अंतर करना भी संभव नहीं होता। नर और मादा जनन अंग का बनना 7वें हफ्ते से शुरू होता है। क्या आप जानते हैं
चौथे और पांचवें हफ्ते के बच्चे में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आँख और हृदय बनने लगता है और धड़कता हुआ हृदय भी दिखाई देता है। किसी स्वास्थ्य केंद्र में जहां सोनोग्राफी की जाती हो, आप इसे खुद भी देख सकते हो। सोनोग्राफी द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। गर्भ में बच्चा पानी से घिरा होता है। पानी में तैरते समय हम सांस रोककर रखते हैं, तो क्या गर्भ में भी बच्चा सांस रोककर रखता होगा? गर्भ में लगभग 9 महीने के समय तक किसी भी बच्चे का फेफड़ा काम नहीं करता, यानी बच्चे के रक्त का ऑक्सीकरण माँ के रक्त के द्वारा होता है। माँ का रक्त आवल से होकर बच्चे के परिसंचरण तंत्रों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसके बाह्य अंग जैसे हाथ, पैर इत्यादि एवं आंतरिक अंग जैसे आहारनाल, वृक्क, मस्तिष्क आदि विकसित होते रहते हैं। शरीर के अंग एक विशिष्ट अनुपात में ही बढ़ते हैं। यदि अलग अलग अंग बन जाते हैं, तो क्या किसी अंग की कोशिकाएं किसी और अंग से बिल्कुल अलग हो जाती है? याद कीजिए, आपने पिछली कक्षा में स्टेम कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था एवं ऊतकों के बारे में भी जाना था। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और संतति कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा जनन कोशिका जितनी होती है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्र की कोशिकाओं का अलग दर से बढ़ना एवं संगठित होना कैसे संभव होता है? यही सवाल उन वैज्ञानिकों के मन में था जो आनुवंशिक पदार्थ और उसके कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि किसी निश्चित समय पर कोशिकीय समूह में आनुवंशिक पदार्थ का एक हिस्सा क्रियाशील रहता है, तो किसी और समूह में किसी अन्य समय पर। इससे कोशिकाओं के अलग अलग संरचना वाले समूह बनते हैं। इन समूहों के बनने पर कोशिकाओं के पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अभी तक चर्चा किए गए उन सभी बिंदुओं को याद करते हुए और जैव विकास के अध्याय की अवधारणाओं के अनुसार क्या यह कहना ठीक होगा कि हमारे शरीर के विभिन्न ऊतक एक जैसे कोशिकाओं के समूह से बने हैं? क्या इनमें माता पिता के भी कुछ लक्षण हैं? यह जानने के लिए
कि इन कोशिकाओं के समूह से माता पिता के शरीर की कोशिकाओं का क्या संबंध होगा। हमें वयस्क नर और मादा मनुष्य के शरीर के उन हिस्सों के बारे में जानना होगा जहाँ से जनन कोशिकाएँ बनती हैं।